हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे शो पे जिसका नाम है शॉर्ट टॉक्स विद न्यूट्रिशनिस्ट अर्पित। और आज का हमारा टॉपिक है कॉफी के ऊपर कि कॉफी के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं और कॉफी के हम कितने कप दिन भर में पी सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि दिन भर में एक पर्टिकुलर इंसान कितने कप कॉफी के ले सकता है ताकि उसको कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक दिन में हम 5 से 6 कप कॉफी के पी सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक सिंगल कप की, तो वो होता है ऑन एन एवरेज 125 ml का, 125 ml का। ठीक है, अब साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। अगर हम 5 या 6 कप से ज्यादा पीते हैं, सपोज हम पीते हैं 8 से 12 कप दिन भर के कॉफी के, तो वहां वो अंदर जाके क्या साइड इफेक्ट उसके हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो 3 ऐसे साइड इफेक्ट्स के बारे में मैं बात करूंगा जो कि मेन मुझे लगा कि हाँ, ये काफी सीरियस मामला है यहां पर, कि ये जो 3 जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं कॉफी के, वो ज्यादा मैटर करते हैं हमारे को। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसोमनिया, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे पेल्पिटेशन की। तो जब हम कॉफी का इंटेक ज्यादा करते हैं, तो कॉफी से हमें सबसे पहली जो चीज मिलती है वो होता है कैफीन। अगर हमारी बॉडी में कैफीन का इंटेक ज्यादा हो जाता है कॉफी के थ्रू या जो भी हाई कैफीन वाली चीजें हैं उनके थ्रू, तो होता यह है कि हमारी जो स्लीपिंग साइकिल है, हर एक इंसान की अपनी अपनी स्लीपिंग साइकिल होती है। कोई 6 घंटा सोता है तो कोई 8 घंटा सोता है, किसी को रात में 12 बजे नींद आ जाती है तो किसी को 2 बजे नींद आ जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी है जिसको 12 बजे नींद आ जाती है और सुबह 8 बजे उठता है, तो उसकी जो स्लीपिंग साइकिल है ये खराब हो जाती है ज्यादा कैफीन के इंटेक से, या यूं बोलूं ज्यादा कॉफी के इंटेक से। होता ये है कि ये जो स्लीपिंग साइकिल होती है ये इंटरप्ट हो जाती है क्योंकि बॉडी में कैफीन कंटेंट बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि 8 से 12 कप आप पी रहे हैं दिन भर के। और होता ये है कि वो आपको और ज्यादा अलर्ट रखता है। दूसरी बात करते हैं कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की। जब भी हम हमारे डाइट के थ्रू या कोई सप्लीमेंट के थ्रू कैल्शियम अगर हमारी बॉडी में डालते हैं, और आपका कॉफी का इंटेक भी सबसे ज्यादा है इसमें, कॉफी में कुछ ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। और इनका सबसे पहले जो आपको सिम्टम दिखेगा वो दिखेगा आपके दांतों में, आपके दांत कमजोर होने लगेंगे। अगर आप ज्यादा कॉफी पी रहे हैं तो आपकी बॉडी में कैल्शियम बराबर एब्जॉर्ब नहीं होगा। उसका सबसे पहला जो साइन आपकी बॉडी में आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपके दांत में, वो काफी कमजोर हो जाएंगे। इसमें हम बात करते हैं पैल्पिटेशंस की। पैल्पिटेशन में होता ये है कि आप नॉर्मली बैठे हुए हैं और अचानक से आपके हार्ट बीट कुछ सेकेंड्स के लिए तेज हो जाती है। ये चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर कोई हार्ट पेशेंट है और उसकी पैल्पिटेशन ज्यादा हुई तो हो सकता है कि उसको हार्ट अटैक भी आ जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि डीकैफिनेटेड कॉफी भी ले सकते हैं क्या हम? हाँ, आप ले सकते हो डीकैफिनेटेड कॉफी जिसमें कैफीन का कंटेंट काफी कम रहता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले एपिसोड में जहां पर मैं वापस से किसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूंगा। और जाते जाते जैसे मैंने आपको कहा कि कैफीन के 3 मेन साइड इफेक्ट्स मुझे लगे जो को अगर आप कॉफी का इंटेक ज्यादा करते हो 8 से 12 कप, तो ये 3 साइड इफेक्ट मुझे लगे। एक तो इंसोमनिया है, दूसरा है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रोकता है, और तीसरा है पैल्पिटेशन। इसके अलावा अगर नॉर्मली हम बात करें तो आप दिन भर के 5 से 6 कप कॉफी के पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें एक चीज का वो ध्यान रखना कि शाम के 5 बजे के बाद आप कॉफी ना पिए, क्योंकि वो भले ही आप कम कॉफी पी रहे हो 4 कप या 6 कप, लेकिन वो फिर आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है उसमें थोड़ा बहुत रुकावट ला सकती है। रुकावट सॉरी नहीं, रुकावट नहीं बोलूंगा, आपकी जो नींद की साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर सकती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार के साथ मेरा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो भी आपके क्वेश्चंस हों, अगर आप चाहते हो कि मैं जो आने वाले वीडियोस हैं, अगर वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप चाहते हो कि मैं उनके ऊपर बात करूं, तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में उनको जरूर टाइप करके मेंशन करना। और
बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आप होंगे सबसे पहले जिनको मेरे न्यू वीडियोस के बारे में पता होगा। मिलते हैं, थैंक यू।